जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से मौजूदा रजीम ने जितने भी योजनाएं या उनके अनुसार तरक्की के दावे किए वो सब जमीनी स्तर पर असफल साबित हुए। सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विभिन्न नेताओं ने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, परंतु भारत के वासियों को यह बताया जाता है कि ये भारत में है ही नहीं और हमने इसको भारत के साथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि झूठ पर मबनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर यहाँ यानी कुपवाड़ा तक सब भारत है और हम भारत के वासी हैं और हमें इस पर प्राउड है। उन्होंने कहा कि अब भारत को भारत ही रहने दें और इसमें तमाम धार्मिक लोग रहते हैं, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग इसमें रहते हैं जो आपसी भाईचारे के साथ जिंदगी बसर करते हैं, परंतु मौजूदा रजीम सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति करना चाहती है जिसमें हिंदू मुस्लिम में एकता न हो। उन्होंने कहा कि इस राजनीति से बाहर आने की जरूरत है, तभी ये देश तरक्की करेगा। लोगों ने इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जोरदार नारे भी बुलंद किए और ये कहा कि कश्मीर के साथ उनके अनुसार जो ज्यादतियां हुई उसका वो विरोध भी करेंगे और जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष अख्तियार वापस नहीं दिए जाते तब तक वो अपना अभियान भी जारी रखेंगे। कश्मीरी मेरा है और मैं इस कश्मीरी को चाहता हूँ इज्जत देना। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत और इंडिया दर्ज है, परंतु राजनीति करके ये तासुर दिया जा रहा है कि अब इंडिया को भारत में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जिस जहाज से सफर करते हैं उस पर दोनों नाम दर्ज होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से परहेज किया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अब हमारे आईन में तो ये लिखा है दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आईन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं।